आज की हमारी रेसिपी है होल मील ब्रेकफास्ट ब्रेड। इसे बनाने के लिए हम बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ मैंने एक बर्तन में ईस्ट ले लिया है, 3 चम्मच के करीब पानी डाला है, 2 चम्मच ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए हमें रख देना है ताकि हमारा ईस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। मैंने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ली है, कवर करें और रख दें। एक बर्तन में आटा डालेंगे, 3.5 कप के करीब आटा है, फ्लैक्सीड पाउडर है 2 बड़ा चम्मच, आधा चम्मच नमक है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। 15 मिनट हो चुके हैं, ईस्ट भी तैयार हो गया है। ईस्ट डालेंगे इसमें, इसी बर्तन में थोड़ा और पानी डालेंगे और पूरा ईस्ट निकाल लेंगे। 3 कप पूरा पानी मैंने डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच और पानी इसमें लगा है। इसे हम मिक्स करेंगे, एक बड़े बर्तन में डालेंगे और हाथों से इसी तरीके से इसे नीट करना है। नीट करने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए, बहुत मेहनत नहीं लगती है, आसानी से हो जाता है ये। यहाँ पे हम 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, कोई भी फ्लेवर लेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरीके से नीट करेंगे। कवर करके रख देंगे, आधे घंटे का रेस्ट देंगे। ये हमारी बनी जोया है, ग्रास लवर है ये। आधे घंटे हो चुके हैं, दोबारा से इसी तरीके से हमें नीट करना है, हाथों से उठाना है और रखना है, उठाना है रखना है, ऐसे करके हमें नीट करना है। वापस से हम इसे कवर करेंगे आधे घंटे के लिए। जोया को रेजिन खिला देते हैं तब तक, रेजिन लवर भी है ये। आधे घंटे हो चुके हैं, हाथों में पानी लगाएंगे और दोबारा से नीट करेंगे। हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए आपके, यही तरीका फॉलो करना है हमें नीडिंग का। वापस से फिर से इसे कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आधे घंटे हो चुके हैं, ये हमारा लास्ट राउंड है नीट करने का, इसके बाद हमें इसे रेस्ट के लिए नहीं रखना है। नीडिंग का तरीका हमें यही रखना है, इससे हमारी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। इसे कवर करके रख देते हैं, तब तक अपना ब्रेड का मोल्ड ग्रीस कर लेंगे हम। आधा घंटा तक के लिए नहीं रखना है, बस तभी तक के लिए रखना है जब तक हम इसको ग्रीस कर रहे हैं अपने मोल्ड को। अगर आपके पास ब्रेड मोल्ड नहीं है तो कोई भी बेकिंग मोल्ड दे सकते हैं आप। इसमें डाल देंगे अपना दो, हाथों में हल्का पानी लगाएंगे और शेप देंगे, हल्के से प्रेस करते हुए इसे शेप देना है। बस बहुत ज़्यादा इसे स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही ये प्रूव होगा अपना शेप खुद ब खुद ले लेगा। इसमें ऊपर से हम क्लिंग रैप से इसे कवर कर देंगे। 2.5 घंटे के करीब हो चुके हैं और ये अच्छे से प्रूव हो गया है, बहुत ही अच्छा प्रूव हुआ है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है ये। ऊपर से हम हल्के हाथों से मिल्क वॉश देंगे। मिल्क वॉश दिखाती हूँ मैं कैसे करना है, हल्के हाथों से करना है, ब्रश की सहायता से करना है, बहुत ही हल्का हल्का लगाना है आराम से। कोई भी खाना प्यार से बनाएं, बहुत अच्छा बनता है, यकीन माने करके देखिए। अवन को अपने 200 डिग्री पे प्री हीट कर लीजिए। तब तक ये प्री हीट हो गया है, हमने इसे डाल दिया है, 35 से 40 मिनट में ये बेक हो जाएगा। अच्छे से बेक हो गया है, ऊपर से मेल्टेड बटर डाल रही हूँ, इसको स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। 15 मिनट बाद हम इसे अपने मोल्ड से निकाल के जब किसी भी जाली वाले रैक पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जाली वाला रैक होना चाहिए ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से ठंडा हो जाए।
करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसको ठंडा होने में। इसका कंप्लीट ठंडा होना ज़रूरी है तभी इसको कट करें। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिर ही काटें। मैं तो लगभग पूरी रात छोड़ देती हूँ क्योंकि अक्सर मैं रात को ही बनाती हूँ और फिर सुबह यूज़ होता है ये, तो रात को बनाया छोड़ दिया, अच्छे से ठंडा हो गया, सुबह कट किया। हाथों का ध्यान रखिएगा, आराम से काटिएगा, ब्रेड बहुत सॉफ्ट है, हाथ भी नहीं कटने चाहिए। ये हमारी हेल्दी ब्रेड तैयार है, इसे अपनी मनपसंद इस ब्रेड के साथ इंजॉय करें। अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।